नेता तो बहुत, मैं क्या पूरा समाज ही मान चुका है इसको। शहर हासी के बिगाड़ दिए समीकरण, ठोक दी ताल, आपको दे रहे हैं खबर। हासी से नगर परिषद के चेयरमैन के होने वाले चुनाव को लेकर समाज सेवी मदन मोहन सेठी लंगर लंगोट कस के मैदान में उतर चुके हैं। आपको यही बता दें, उनके समर्थकों के द्वारा जगह जगह उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज रूपनगर कॉलोनी में उनका समाज सेवी राजकुमार पावा की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। और आपको बता दें कि मदन मोहन सेट्टी ने साफ तौर पर कहा कि आपने के सहयोग से मैं चेयरमैन बना तो खजाने की चाबी आपके हाथ में होगी। शेट्टी साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। शेट्टी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुजुर्गो भाइयों, आपने स्टेज पे खूब चुन लिया। जितने लोग आए हैं, मैंने तो यही सुना है, देखा है जो इनका जीवन, इनके पिताजी के साथ भी अनाज मंडी में, वो इनसे भी दानी थे। मैं अपनी आत्मा की बात कह रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन है, ये उसी मर्यादा पे चल रहे हैं। इन्होंने हमारे को वचन दिया है, मैं चेयर मलने के बाद हर आदमी 36 बिरादरियों के काम करूंगा, जात पात का नाम तो यहाँ ही नहीं देंगे, और ये हांसी के चेयरमैन 100% बनेंगे मेरे तो, मुख्यमंत्री एमएलए और सारी जनता की अपील है, इनका पूरा पूरा सहयोग दें। जिंदाबाद बयाना साहब, जिंदाबाद। हे भगवान, हम सब की एक प्रार्थना है, बयाना साहब को इससे भी उचित तरक्की दे, हो सके तो इनको मिनिस्टर बना। नरेंद्र साहब क्या लग रहा है आज? देखो ऐसा है, आज मैं आया हूँ यहाँ पे, पहली दफा आया हूँ इस प्रोग्राम में, तो शहर के अंदर आज हम भाई विनोद बयाना के दिशा निर्देश में उनके हाथ मजबूत करने के लिए, और जो भी हम जिसके ऊपर वो आशीर्वाद करेंगे, पार्टी आशीर्वाद करेंगे। मैं तो केवल इतना कहूँगा, हमारे मदन मोहन जी सेठी को मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे अनाज मंडी रहे। इनके अंदर मैं तो क्या कहूँगा, सभी लोग वक्ताएं बोल, सभी वक्ता बोल रहे थे, इनके अंदर सभी गुण हैं। मैं एक गुण की बात कहूँगा, जिससे हमारे बयाना साहब के हाथ भी मजबूत होंगे और शहर की तरक्की भी होगी। और मदन मोहन जी इनको एक अजीज है, इनको एक बात कहना चाहूंगा, जो जीवन के अंदर आध्यात्मिक होता है उसके अंदर सभी गुण अपने आप आ जाते हैं, देशभक्त भी हो जाता है, राष्ट्रभक्त भी हो जाती है, समाज सेवा भी होता है। और मैं स्टेज पे देख रहा था, सभी लोग एक बात करते थे, ये धन से सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। धन किसकी कृपा से बनता है? उस परमात्मा की कृपा से बनता है। आज हम एक बात करते हैं, जब सेवा की भावना आती है, तन मन और धन तीन चीज आती है, धन का नंबर तो सबसे लास्ट में है, उससे पहले तन और मन, मन का होना और तन का होना अति आवश्यक है। तो मैं इनको यही एक अपनी तरफ से यही कहूँगा, और ये मन से जहाँ जाते हैं धन की सेवा तो करते हैं, ये ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, और तन और मन होता है तो भी ये करते हैं, मन ही नहीं होगा तो धन की सेवा कैसे करेंगे। तो मैं तो केवल इतना कहूँगा, ये जीवन में परमात्मा इनके ऊपर कृपा करे, शहर के लिए अच्छे चेयरमैन साबित होंगे। और मैं इनको एक त्याग के जीवन की बात कहूँगा, जिनके अंदर त्याग होता है, हमारी भारतीय संस्कृति त्याग के ऊपर चलती है, जिसका त्याग में जीवन होता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, बस इतना। मदन मोहन सेठी को आप नेता मान चुके हैं? तो नेता मान चुके हैं, हाँ, नेता क्यों नहीं मान कैंडिडेट ये बन चुके हैं। तो बाकी एक बात हमने क्लियर की है, जहाँ हमारी पार्टी और ये उनके सारे नेता तो बहुत, मैं क्या पूरा समाज ही मान चुका है इसको। श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे मदन लाल सेठी जी जो हैं, ये हमारे भैंजी जी के बच्चे हैं, जो कि हमें इनके ऊपर कई सालों से जान पहचान भी नहीं, बल्कि हमारे गुरु भाई हैं, और इनके साथ हमारे बाजी का और बहन जी का साथ है, और ये हरिद्वार में भी
ऐसे ही भंडारे करते हैं जैसे इनकी यहाँ पर बातें हो रही हैं, और सबको मालूम है कि ये से मदन लाल सेठी जी ऐसे बच्चे हैं। इनकी कामयाबी अवश्य है और होएगी, और हमारे राम जी कृपा करेंगे। जय श्री राम। आपको क्या लगता है मदन मोहन सेठी चेयरमैन बन जाएंगे ऐसी है? हाँ जी, जरूर बनेंगे, क्योंकि उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने यहाँ उनके वो करते हैं, समाज सेवा करते हैं सभी, तो हम सभी उनके साथ हैं, वो सारी जनता उनके साथ है, हमारी बिल्कुल सभी जनता है, हमारी कॉलोनी तो है ही है सभी। आंटी जी आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी आप क्या कहोगे, क्या नाम है जी आपके? हाँ जी आप बोलो जी। सब बढ़िया जी, जरूर देंगे वोट, सब देंगे और जरूर जीतेंगे मदन मोहन जी। क्या नाम है आपका? सेजल। सभी भी कह रहे हैं मदन मोहन सेठी बढ़िया बहुत। काफी संख्या में भीड़ थी, आपको दिखाया भी था। हाँ गुड़िया क्या लग रहा मदन मोहन सेठी? जरूर जीतेंगे। जानते हो मदन मोहन सेठी को? सभी जानते हैं, उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे समाज से भी हैं, समाज की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य भी बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जरूर जीतेंगे। हाटी जी क्या नाम है आपका? जी राज। तो क्या लग रहा है मदन मोहन सेठी को? बहुत अच्छा। नहीं अच्छा तो है, इसको वोट भी दे दोगे? हाँ जी हाँ जी देंगे, क्यों नहीं देंगे, देंगे। यहाँ पहुंचे सभी भाई बहने और बुजुर्ग, अपना एक एक कीमती वोट देकर इनको यहाँ से विजय बनाए। तो मेरी यही अपील रहेगी पार्टी से और हमारे विधायक हासी के विधायक श्री विनोद राणा जी से, अपना भरपूर प्रयास करें इनको टिकट दिलवाने के लिए। और यहाँ जो सभी पहुंचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पॉलिटिकल न्यूज। अपनी क्षेत्र की खबरों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।